नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन और आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO की स्थापना कब हुई? इसका आंसर होगा 1951 में। 1951 में जो है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत का इसका शासन था? इसका आंसर हो जाएगा हय्यक वंश का जो है शासक था। सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर हय्यक शासक का जो है शासन था। नेक्स्ट है हमारे पास, मानव नेत्र में प्रतिबिंब रिटर्न पर कैसा बनता है? ये बनता है वास्तविक और उल्टा हमारा प्रतिबिंब बनता है मानव नेत्र पर। नेक्स्ट है हमारे पास, संविधान के अनुच्छेद 19(1) से संबंधित है, ये है हमारा धार्मिक स्वतंत्रता से हमारा संबंधित है संविधान का अनुच्छेद 19(1) जो है धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है। नेक्स्ट है हमारे पास, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? ये होता है 12 जून। 12 जून को जो है हमारा सबसे बड़ा दिन होता है उत्तरी गोलार्ध में। नेक्स्ट है हमारे पास सिंधु सभ्यता की लिपि कौन सी थी? यह थी हमारे पास अज्ञात जो है सिंधु सभ्यता की लिपि थी। नेक्स्ट है हमारे पास, प्रथम केंद्रीय विधान सभा का गठन कब किया गया? यह किया गया था 1921 में जो है केंद्रीय विधान सभा का गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारत का मानक समय ग्रीनविच मध्य समय से कितने आगे है? ये है लगभग हमारा 5.5 घंटे आगे। 5.5 घंटे जो है हमारा आगे है ग्रीनविच समय मध्य समय 5.5 घंटे आगे है। नेक्स्ट है हमारे पास, पलक कांस्टेंट की यूनिट इकाई क्या है? इसकी इकाई है हमारी जे एस जो है हमारे पास जूल सेकंड जो है हमारी इसकी इकाई है पलक कांस्टेंट की इकाई है। नेक्स्ट हमारे पास, पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है 2 सितंबर, 4 सितंबर, 27 सितंबर। इसका आंसर होगा हमारे पास 4 जुलाई। 4 जुलाई को जो है हमारी पृथ्वी जो है सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होती है 4 जुलाई के दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, तरल अवस्था में पाए जाने वाली धातु कौन सी है? यह है हमारे पास ब्रोमीन। ब्रोमीन जो है हमारे पास तरल अवस्था में पाई जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा था? ये था हमारे पास धान्यागार जो है हमारे पास मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन था। नेक्स्ट है हमारे पास, भारत की अंतकालीन संसद में कितने सदस्य थे? ये थे हमारे पास 296 सदस्य थे भारत के अंतकालीन संसद में जो है 296 सदस्य थे। नेक्स्ट है हमारे पास, भारत के दक्षिण छोर सोर्थन ट्रिप का क्या नाम है? यह है हमारे पास जो है इंदिरा पॉइंट जो है हमारे पास भारत के दक्षिण छोर सोर्थन ट्रिप का नाम है इंदिरा पॉइंट जो है हमारे पास जो है भारत के दक्षिण छोर सोर्थन ट्रिप का नाम है। ताजे पानी का हिमांक बिंदु क्या होता है? ये होता है हमारे पास 0 डिग्री सेल्सियस जो है हमारे पास ताजे पानी का हिमांक बिंदु होता है। नेक्स्ट है हमारे पास, लोहे को जंग लगता है किसके कारण लगता है? ये लगता है ऑक्सीकरण के कारण जो है हमारे पास लोहे पर जंग लगता है। नेक्स्ट है हमारे पास, दूध को दही में संकृत करने वाला एंजाइम है, ये है हमारे पास रेनिन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारे पास, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था? ये किया गया तांबे का जो है सबसे पहले वैदिक लोगों द्वारा सबसे पहले प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट है हमारे पास, भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? ये था हमारे पास डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है हमारे पास संविधान सभा के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है हमारे, भारत के किस राज्य में सबसे लंबी तटीय रेखा है? तटीय रेखा जो है सबसे लंबी गुजरात की है। गुजरात इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, सबसे अधिक जलन किस से पैदा होती है? ये होती है भाप से जो है हमारी सबसे अधिक जलन पैदा होती है। नेक्स्ट है हमारे पास, धातुओं का राजा
क्या है? ये है हमारे पास सोना। सोना जो है हमारे पास धातु को राजा कहलाता है। नेक्स्ट है हमारे पास भारतीय संविधान कब अपनाया गया था? ये अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। इसका ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट होगा मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? ये है हमारे पास यकृत, लीवर, जिगर इसको बोलते हैं। यह है हमारे पास ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है ऋग्वेद से। ऋग्वेद से लिया गया है और इसमें सूर्य भगवान की हम इसमें पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं गायत्री मंत्र में। नेक्स्ट है हमारे पास पृथ्वी पृथ्वी नेक्स्ट है हमारे पास पृथ्वी के सबसे नज़दीक कौन सा तारा है? ये है हमारे पास सूर्य है। सूर्य इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है हमारे पास तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? ये करता है तापमान पर, टेम्परेचर पर जो है निर्भर करता है तारों का रंग। नेक्स्ट है हमारे पास लोहे का शुद्धतम रूप, लोहे का जो शुद्धतम रूप है वो है पिटवा लोहा। पिटवा लोहा जो है हमारे पास लोहे का जो है शुद्धतम रूप है। नेक्स्ट है हमारे पास हमारे शरीर में ऊर्जा कौन देता है? ये देता है वाटर या जल। ऑप्शन बी आंसर सही होगा। नेक्स्ट है हमारे पास बुद्ध ने अपना प्रथम प्रचलन कहाँ दिया था? ये दिया था सारनाथ में। सारनाथ में जो है बुद्ध ने सबसे पहले अपना प्रचलन दिया था। नेक्स्ट है हमारे पास संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? ये की गई थी हमारी 9 दिसंबर को। 9 दिसंबर को जो है संविधान सभा की प्रथम बैठक की गई। नेक्स्ट है विश्व की गहरी खाई मरियाना ट्रेंच कहाँ स्थित है? यह है हमारे पास प्रशांत महासागर। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है हड़प्पा स्थित है, जो हड़प्पा हमारी स्थित है यह है हमारे पास रावी नदी पर। रावी नदी पर जो है हमारी हड़प्पा स्थित है। नेक्स्ट है हमारे पास रक्त समूह कौन से होते हैं? रक्त समूह AO AB और ओ जो है उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे वर्ल्ड वाइड वेब WWW का आविष्कार कब किया गया? यह किया गया था 1989 to 1990 में जो है हमारे पास इसका WWW का आविष्कार किया गया था। नेक्स्ट है हमारे पास नेक्स्ट है होरोटोटस को नापा जाता है। ये मापा जाता है इतिहास का जनक माना जाता है। होरोटोटस को माना जाता है, ये इतिहास का जनक जो है होरोटोटस को मापा जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? ये किया गया राज्य का संघ, राज्य के संघ। नेक्स्ट है हमारे पास कौन सा राज्य भारत का संरक्षित राज्य है? ये है हमारे पास सिक्किम। ए आंसर इसका राइट होगा। नेक्स्ट है ज्वाला के सबसे गर्म भाग को क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है नॉन ल्यूकेमिस जोन इसको कहा जाता है। इसका आंसर डी राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था? यह किया गया था हमारे पास सी ऑप्शन इसका सही होगा, सी नरेंद्र कंपनी। नरेंद्र कंपनी ने जो है ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किया था। नेक्स्ट है हमारे पास विश्व की सबसे बड़ी पर्वतमाला कौन सी है? ये है हमारी एडिज। एडिज जो है विश्व की सबसे बड़ी पर्वतमाला कहलाती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास पंचायत राज्य विषय है, यह है राज्य सूची का। नेक्स्ट है हमारे पास पौधों का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग है पत्ती। पत्ती से जो है प्रकाश संश्लेषण जो जो पौधे होते हैं अपना भोजन जो है पत्तियों के द्वारा तैयार करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास राष्ट्रीय विकास परिषद NDC का गठन किया गया है, ये किया गया था हमारा 1952 में। 1952 ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है MS वर्ड का एक्सटेंशन होता है, ये होता है डॉक्यूमेंट। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास प्रथम बोध परिषद कहाँ आयोजित की गई? ये की गई हमारी राजगृह में, राजगृह में। नेक्स्ट है हमारे पास भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? ये बनाई गई थी कैबिनेट मिशन के कहने पर। नेक्स्ट है हमारे पास किस भारतीय राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? ये है आंध्र प्रदेश की। ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है आंध्र प्रदेश की तट रेखा सबसे लंबी है। राष्ट्रीय विकास परिषद NDC की ये तो। नेक्स्ट है हमारे पास किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है? ये आता है पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा का होने के कारण जो है हमारी ज्वार भाटा आती है। नेक्स्ट है किलोवाट घंटा किसकी यूनिट है? यह ऊर्जा की यूनिट जो है किलोवाट
प्रति घंटा है। नेक्स्ट है हमारे पास, पांचवी बौद्ध परिषद का आयोजन कहाँ किया गया था, किसने किया था, ये किया था जो है हमारा हर्ष ने, हर्ष ने जो है पांचवी बौद्ध परिषद का आयोजन किया था। नेक्स्ट है हमारे पास, निम्न में से किस देश का अलिखित संविधान है, यूके, यूके यूनाइटेड किंगडम का जो है हमारा अलिखित संविधान है। नेक्स्ट है भारत की तटरेखा कितनी है, 7500 किलोमीटर, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में लगाती है, ये लगाती है 23 घंटे 56 मिनट 4 मिनट 90 सेकंड में, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, 4 घंटे 56 मिनट 4 मिनट 90 सेकंड। नेक्स्ट है हमारे पास, जब रंगीन अक्षरों पर समतल कांच की पट्टी रखी जाती है तो कौन सा अक्षर उठाई हुआ दिखाई देता है, ये इसका आंसर होगा बैंगनी, बैंगनी रंग जो है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, बैंगनी रंग जो है उठा हुआ दिखाई देता है। नेक्स्ट है हमारे पास, धातु के बने सिक्के सबसे सबसे पहले प्रकट हुए थे, ये हुए थे जो है, ये हुए थे बुद्ध काल में, बुद्ध काल इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, स्मारक रूप में भारतीय संविधान लागू किया गया, ये किया गया 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट है, पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगती हैं, ये होगा 3, ऑप्शन जो है इसका डी आंसर राइट होगा। नेक्स्ट है, कहाँ पर दिन और रात समान होते हैं, ये इसका आंसर होगा भूमध्य रेखा पर, भूमध्य रेखा पर जो है दिन और रात जो है बराबर होते हैं। नेक्स्ट है, प्रगति में सबसे सशक्त बल क्या है, ये है नाभिकीय बल, नाभिकीय बल जो है प्रगति में सशक्त बल है। नेक्स्ट है हमारे पास, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई, ये अपनाई गई थी जो है इंग्लैंड से जो है हमारी एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई। नेक्स्ट है, केरल के तट को क्या कहते हैं, ये इसको बोलते हैं हम केरल की मालाबार तट, मालाबार तट बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे, पृथ्वी की परिधि लगभग कितनी है, इनमें से कोई नहीं, इसका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है हमारे पास, उस समय पूर्ण अंतरिक्ष नहीं होता जब प्रकाश, इसका आंसर होगा पानी से होकर कांच में जाता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, पीतल किससे बनता है, पीतल जो है हमारा तांबा और जिंक से जो है हमारे पास ये बनता है पित्तल, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, बुद्ध को प्रगो कहाँ से प्राप्त हुआ था, ये हुआ था बोधगया से। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे बड़ा संविधान किस देश का, भारत का। स्मार्ट सिटी कहाँ पर स्थापित, ये कोचीन में स्थापित की जा रही है। नेक्स्ट है हमारे, पृथ्वी से टकराने वाला परमाणु विकिरण किसके अवसर से कारण होता है, ये होता है हमारे पास ओजोन के। नेक्स्ट है, एक अंतरिक्ष को अंतरिक्ष कैसा रंग दिखाई दे